बड़ी खबर आ रही है, सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़ी हुई। गोवा पुलिस के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आरोपी सुधीर सांगवान ने हत्या की साजिश की बात कबूल कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सुधीर सांगवान ने पुलिस को बताया कि शूट की बात कहकर सोनाली फोगाट को गुरुग्राम से गोवा लाना भी इसी साजिश का हिस्सा था, जबकि हकीकत में ऐसी कोई शूटिंग होनी ही नहीं थी। इस साजिश को काफी समय पहले से प्लान किया जा रहा था और इसे अंजाम इस तरह से दिया गया कि ये ड्रग्स ओवरडोज का मामला लगे। शुरुआत में इसे हार्ट अटैक बताने की कोशिश की गई, बाद में ड्रग ओवरडोज का मामला सामने आया। परिवार शुरू से इसमें फाउल प्ले यानी कि साजिश का आरोप लगा रहा था और साजिश की बात अब सूत्रों के हवाले से सुधीर सांगवान ने कबूल कर ली है। इसके पीछे संपत्ति को बड़ी वजह बताया जा रहा है। सोनाली फोगाट जो कि 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की मालकिन थी और उनके फार्म हाउस पर सुधीर सांगवान की नजर थी। गुरुग्राम से गोवा लाना साजिश का हिस्सा था, सोनाली को गोवा से लाया गया, असल में कोई शूटिंग। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं होनी थी, सुधीर ने कहा कि उसी ने हत्या की साजिश रची है। लंबे समय से वो ये प्लानिंग कर रहा था और इस साजिश को अंजाम देने के लिए शूटिंग की बात कहकर सोनाली फोगाट को गोवा लाया गया, असल में जबकि कोई शूटिंग होनी नहीं थी। लंबे समय से यह पूरी प्लानिंग चल रही थी और अब इसका कबूलनामा भी सामने आया है। हालांकि यह सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सूत्रों के हवाले से यह मालूम चल रहा है कि सुधीर ने इस साजिश को रचने की बात कर ली है, स्वीकार कर ली है, क्या कुछ और जानकारी मिली है? देखिए बिल्कुल, सुधीर और सुखविंदर जो है लगातार गोवा पुलिस की रिमांड पर है, उनसे पूछताछ हो रही है। गोवा पुलिस की एक टीम जो है वो हिसार में डेरा डाले हुए है, यहाँ पे जांच की जा रही है, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, बैंक डिटेल्स खंगाली जा रही है, सारी ट्रांजेक्शन डिटेल्स खंगाली जा रही है और लगातार जो है दोनों गोवा पुलिस के यहाँ के अधिकारी लगातार अपने आला अधिकारियों को हर अपडेट दे रहे हैं। और उसके बाद सुधीर का अगर ये सुधीर ने जो कबूलनामा किया है तो इसको अभी वेरीफाई जो है वो गोवा पुलिस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से साजिश की बात है, क्योंकि अभी तक गोवा पुलिस के पास कोई मोटिव नहीं लगा है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी की अगर बात आ रही है तो कोई भी प्रॉपर्टी सुधीर के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई थी, वो पूरी की पूरी अभी सोनाली के पास ही थी। ट्रांसफर कराने के लिए एक लीज डीड जरूर बनवाई गई थी लेकिन उस पर सोनाली के सिग्नेचर नहीं हुए थे। 3 बार टोकन जरूर तहसील ऑफिस से लिया गया था लेकिन सोनाली वहां किसी कारणवश नहीं जा पाई थी, तो ऐसे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने का जो मोटिव है वो भी अभी साफ नहीं हो रहा है। साजिश की बात को लेकर पुलिस का ये मानना है कि एक साजिश जरूर रची हुई थी और शायद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के बाद किसी हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश हो, लेकिन उससे पहले ही जो ड्रग ओवरडोज या किसी वजह से जो है सोनाली की मौत हुई है। सबसे पहली बात पुलिस के लिए मोटिव ढूंढना है, क्योंकि अभी तक हत्याकांड का कोई मोटिव पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि किसी। हमारे साथ बने रहें प्रमोद, अपने दर्शकों को हम बताते हैं पूरा जो टाइमलाइन है, जिस तरह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है और उसके बाद कब क्या घटा है। आपको बता दें 23 अगस्त को गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हो जाती है। परिवार ने मौत पर सवाल उठाए, इसे हत्या करार दिया। 25 अगस्त को फार्म हाउस से कई सामान गायब हो जाते हैं, लैपटॉप फोन गायब हो जाता है। 25 अगस्त को आरोप लगाया जाता है कि उनके पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट का यौन शोषण किया था, ब्लैकमेल कर रहा था, गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। सोनाली के शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम में कई नई चीजें सामने आने के बाद एफआईआर में धारा 302 यानी हत्या को भी जोड़ा जाता है। आरोपी सुधीर और सुखविंदर दो आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26 अगस्त को मौत से कुछ वक्त पहले का एक वीडियो सामने आया, वीडियो में लड़खड़ाती नजर आई सोनाली, ये उनके अंतिम पल थे। सिंथेटिक ड्रग से सोनाली की मौत, पुलिस ने यह बात कही। 26 अगस्त को ही पुलिस ने दावा किया कि उन्हें जबरन ड्रग्स दिया गया था, ये वीडियो भी सामने आए। 27 अगस्त को करलीज क्लब का लेडीज वॉशरूम सील कर दिया गया, क्लब का मालिक और ड्रग्स पेडलर भी 27 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए। 20 से ज्यादा लोगों के बयान इस मामले में रिकॉर्ड किए गए। 31 अगस्त सोनाली मर्डर को लेकर एक और खुलासा होता है। शरीर पर कुल 46 चोटों के निशान,
इसके बाद 1 सितंबर को सोनाली के घर पहुंची गोवा पुलिस। हिसार वाले घर पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। 2 सितंबर को सोनाली के घर से 3 डायरी मिली। आरोपी सुधीर का कबूलनामा 3 सितंबर यानी आज सामने आया है कि उसी ने हत्या की साजिश रची है। गुरुग्राम से गोवा लाना भी इसी साजिश का हिस्सा था। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ उसने स्वीकार किया है। सुधीर सांगवान ने कहा है, मैंने हत्या की साजिश रची, गुरुग्राम से गोवा लाना साजिश का हिस्सा था। 7 दिन के शूट की बात कही गई थी और शूटिंग की बात कहकर के सोनाली को गोवा लाया गया, लेकिन असल में कोई शूटिंग होनी ही नहीं थी। लंबे समय से पूरी प्लानिंग कर रहा था सोनाली फोगाट को ठिकाने लगाने की। प्रमोद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, जैसा कि आपने बताया कि कबूलनामा भले ही हो गया हो, लेकिन मोटिव साबित करना बड़ी चुनौती होगी। इस बीच परिवार की ओर से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उन्हें गोवा पुलिस की जांच पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। बिल्कुल, परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और जिस तरीके से गोवा पुलिस पहले सीबीआई जांच की बात कर रही थी हरियाणा सरकार से बात करने के बाद, उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और सीबीआई को ये केस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और ऐसे में अब जो है गोवा पुलिस के खिलाफ जो है जांच ले जाने के लिए जो सोनाली फोगाट के परिवार वाले हैं, उनके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जैसा कि सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने हमें बताया कि परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस केस को जो है सीबीआई को ट्रांसफर करने की गुहार लगाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से गोवा पुलिस जाँच कर रही है और जो दावे कर रही है वो कहीं से भी जो है सुधीर की जो साजिश है उससे मेल खाते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस जाँच को जो है भटकाया जा रहा है, इसीलिए सच सामने आने के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। और सीबीआई जब जांच करेगी तो इसका दोनों राजनीतिक और जो सुधीर सांगवान का जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। प्रमोद, ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर और अपडेट देने के लिए अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल जो गोवा पुलिस के जो सोर्सेज हैं उस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो इंटरोगेशन चल रहा है, कस्टोडियल इंटरोगेशन जो चल रहा है, उसके अंदर सुधीर सांगवान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। इस तरीके से गोवा आना, गुड़गांव से निकल के गोवा आ जाना और उसके बाद ये जिस तरीके से हत्या हुई है, क्योंकि पुलिस इस मामले में ऑलरेडी जो आईपीसी सेक्शन है 302 उसके तहत पूरा मामला ले चुकी है। दोनों आरोपी, खासतौर पर मैं बात करूंगा सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को लेकर, इस वक्त जो कस्टोडियल जो इंटरोगेशन है वो इस वक्त चल रहा है। इस कहानी में पेज कहां फंसा पड़ा हुआ है वो इस बात को लेकर है कि अभी तक 10 दिन पूरे हो चुके हैं इस पूरी घटना जो हत्याकांड को, लेकिन अभी तक पुलिस के पास भले ही ये बात आ गई है कि ये एक हत्या थी और उसके लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई, लेकिन इसका मोटिव क्या था वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि उनके पास इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस केस को आगे जब परस्यू होगा, जब ये कोर्ट में जब जाएगा, तब वो अपनी इस थ्योरी को प्रूव कर पाएंगे। लेकिन मोटिव को लेकर जब भी बात की जाती है वो मोटिव कहीं नजर नहीं आ रहा। जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि उनको भी और वक्त लगेगा मोटिव को क्लियर करने में। जी बिल्कुल। प्रमोद, ऐसे में बड़ा सवाल यही होता है कि सोनाली फोगाट की मौत को लेकर के, उनकी हत्या को लेकर के जो जांच चल रही है, परिवार की मांग सीबीआई की जांच की है, गोवा पुलिस की ओर से सबूत तलाशने की बात कही जा रही है, लेकिन 10 दिनों में बहुत ज्यादा कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है गोवा पुलिस, और ऐसे में अब जांच कहीं ना कहीं एक अवरोध, गतिरोध सा इसमें पैदा होता हुआ दिख रहा है। सोनाली फोगाट को लेकर के जो कुछ सबूत अब तक हाथ लगे हैं, प्रमोद, अगर बात की जाए कि वो डीवीआर की बात कही जा रही थी, डीवीआर से अहम सुराग मिलने की बात कही जा रही थी, जो सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं वो पर्याप्त अभी नहीं है, ऐसे में आगे किस लाइन पर जांच चल सकती है गोवा पुलिस की? देखिए, सबसे पहले गोवा पुलिस को ये साबित करना होगा कि अगर मोटिव जो है वो मारकर कुछ फायदा जो है वो सुधीर सांगवान को पहुंच रहा था तो वो फायदा क्या था, क्या पैसों का लेन देन था, कोई बहुत ज़्यादा पैसा सुधीर सांगवान ने लिया हुआ था, या फिर सोनाली के मरने के बाद पैसों का जो फायदा होना था वो सुधीर का होना था, या प्रॉपर्टी के को लेकर उसको कुछ फायदा होना था। लेकिन प्रॉपर्टी की बात साफ तौर पर कहीं पर भी वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है। कोशिश जरूर की थी, लीज डीड बनाई जरूर गई थी, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया था सुधीर। और उसके बाद पैसे को लेकर अभी भी जो गोवा पुलिस है वो फिलहाल जो हिसार के ही जो
बैंक्स हैं वहां पर गई हुई है और जो बैंक डिटेल है, जो ट्रांजैक्शन डिटेल है उसे खंगाल रही है जब पूरी रात, और अभी तक वो तीन डायरी जो मिली है उसे पढ़ा जा रहा है, उसे खंगाला जा रहा है, उसके बारे में जितनी भी पैसों की ट्रांजेक्शन है उसको लेकर है कि अगर जो जानकारी सोनाली को और सुधीर के बीच में थी और ऐसे में अगर सोनाली मर जाती है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि पैसे का लेन देन और किसका किसके पास कितना पैसा है, तो सुधीर को इसका फायदा पहुंच सकता था। तो इन सारे जो मोटिव की तलाश में जो गोवा पुलिस है वो लगातार हिसार में जो है कैंप कर रही है, और इसके साथ ही जो विसरा रिपोर्ट है, जो बाकी जो एग्जामिनेशन और डिटेल एग्जामिनेशन होना था उसके लिए बाकायदा जो गोवा पुलिस ने CFSL चंडीगढ़ को सैंपल भेजे हैं ताकि जो रिपोर्ट है वहां से आए तो ये पता चले कि मौत की वजह, कॉज ऑफ डेथ क्या था, क्या कोई केमिकल रिएक्शन बॉडी में हुआ था जिसकी वजह से जो है सोनाली की मौत हुई, और अगर कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी के तहत ही हत्या की गई या कॉन्स्पिरेसी आगे ठीक है साजिश थी तो क्यों थी, किस तरह से रची गई। अभी स्वीकार किया है सुधीर सांगवान ने पूरी इस अपनी साजिश को स्वीकार किया है, और इसमें अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत के बाद घटनाक्रम हुआ है, और अब तक 10 दिनों में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सुधीर सांगवान ने हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली है, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब कानूनी तौर पर सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर के सुधीर सांगवान को इंडाइट यानी कि इस पूरे मामले में किस तरह से आरोपी सिद्ध करती है, इसके लिए सबूत तलाशने होंगे। मोटिव को लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और परिवार गोवा पुलिस की जांच की जो थियरी है इस पर ही सवाल खड़े कर रहा है, CBI जांच की मांग कर रहा है। माना यह जा रहा है कि संपत्ति को लेकर के यह हत्या की गई हो सकती है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति थी उसके ट्रांसफर की बात कोई सामने नहीं आ रही है। एक फार्म हाउस जिसके लीज डीड पर सोनाली ने दस्तखत नहीं किए थे, क्या वो इस बात से नाराज था सुधीर सांगवान की सोनाली उसके कहे मुताबिक ₹5,000 महीने पर वो फार्म हाउस उसे 20 साल के लिए लीज पर नहीं दे रही है, इस वजह से हत्या की गई। कई सवाल खड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।